बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रथम लागो दो चरण को, धनिन छुड़ायो चिन, लांक तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो वातुन, पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाए मेहर महबूब के, मेरे जीव के यही जीवन, मेहर महबूब के, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, साथ सनमंदी मिल के खेलिए संग भरतार, खेलिए संग भरतार। उठ के नहाइए जमुना जी, अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ बानी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ के इस पावन पवित्र स्थल पर सप्त दिवसीय श्री तारतम वाणी चर्चा एवं श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन सत्र का आज सातवां दिवस के पावन बैठक में सर्वप्रथम परम पूज्य परम वंदनीय श्री गुरु जी के चरणों में सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के प्रवक्ता साध्वी मीरा मंजरी जी,
साधनालय के सभी धर्म प्रचारक धर्म प्रचारिकाएं साधक साधिकाएं एवं दूर नजदीक से पधारे हुए धाम धर्मिनी के अभिन्न आत्मस्वरूप शिरोमणि सुंदर साह जी, आप सभी को करबद्ध सप्रेम प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। अक्षरातीत धाम धनी की असीम अनुकंपा के द्वारा हम धाम धनी की यह दिव्य वाणी तारतम सागर के कुछ विशेष विशेष चौपाइयों को लेकर चर्चा के माध्यम से रस स्वादन करते आ रहे हैं। तो 7 दिन की यह वाणी चर्चा के प्रसंग में प्रथम दिवस में ही हम भूमिका के प्रसंग में चर्चा कर रहे थे। 7 दिन यानी कि खेल के अंदर के 6 दिन की लीला और 7वें दिन परमधाम मूल मिलाव में परात्मा स्वरूप में जागृत होने की जो प्रसंग है, इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उसी स्वरूप हम एक एक दिन की लीला के प्रसंग के ऊपर चिंतन करते हुए चर्चा करते हुए, जैसे वाणी चर्चा के प्रथम दिवस के प्रसंग में तारतम्य सिद्धांत के प्रथम दिवस की लीला ब्रज लीला के प्रसंग के ऊपर कुछ चिंतन किया, फिर द्वितीय दिवस के प्रसंग में दूसरे दिन की लीला यानी कि रास लीला के प्रसंग, महामती प्राणनाथ जी की यह दिव्य वाणी में रास ग्रंथ के सारांश प्रसंग के ऊपर कुछ चिंतन किए चर्चा किए, तीसरे दिन के प्रसंग में तृतीय दिवस की लीला रसूल मोहम्मद साहिब यानी हुकुम के स्वरूप की लीला, इस विषय के ऊपर चिंतन हुआ। फिर 4वें दिन के प्रसंग में चतुर्थ दिवस की लीला यानी कि निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के समय की लीला प्रसंग के ऊपर वाणी के माध्यम से कुछ चिंतन किए। फिर 5वें दिन में पंचम दिवस की लीला यानी महामती प्राणनाथ जी स्वरूप के समय जागनी रास लीला के प्रसंग के ऊपर चिंतन किए और कल 6वें दिवस के प्रसंग में 6वें दिवस की लीला जागनी लीला सुंदर सात की जागनी लीला, जिसे जागनी की महारास के रूप में हम किस तरह से समझ सकते हैं। और यह वाणी धामधनी ने हम आत्माओं के वास्ते किस तरह से जाहिर किए हैं। धनी ने कहा, चरणे है सो तो आवे सही, पर पिछले साथ कारण वाणी कही। पिछले साथ कौन है? हम आत्माएं हैं। कयामत के दिन तक यानी कि जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी तब तक ये तारतम के माध्यम से जागरण लीला चलती रहेगी। ये तारतम के सुख जहां तक भी फैलेगा ये सब पिछले साथ है। तो ये 6वें दिन की लीला वर्तमान समय में चल रहा है, अभी हम 6वें दिन की लीला में है। और आज वाणी चर्चा के 7वें दिन अथवा आखिरी दिन है। तो आज 7वें दिवस का प्रसंग, 6 दिन की लीला खेल की लीला पूरी होने के पश्चात 7वें दिन परात्मा स्वरूप में जागृत होने का दिन है। तो परात्मा स्वरूप हमारा परम धाम में है, मूल मिलावा के बैठक में है। जो परात्मा स्वरूप में फरामशी का पर्दा पड़ा हुआ है और वो फरामशी के पर्दा को हटा करके परात्मा स्वरूप में जागृत होना, फिर धाम धनी प्रियतम श्रीराज जी महाराज के साथ में मिल करके 25 पक्ष परम धाम का सुख, 25 पक्ष परम धाम के आनंद में पुनः डूब जाना, विहार करना, वो 7वें दिवस की लीला है।
तो धाम धनी स्वरूप महामति प्राण्य जी हम आत्माओं को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे आत्माओं अब जागृत हो जाओ, ये जागृत होने का समय है। वैसे खेल से जागृत कराने के लिए धनी ने वाणी में कई शब्दों के माध्यम से, कई चौपायों के माध्यम से कहा, सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े है तुम, जो कबो कानो ना सुननी सो आए दीदार करो खसम। हम आत्माओं को धनी ने आखरी यानी कि अंतिम समय का ये आखरी शब्द प्रयोग किया, तो आखर का समय किस हिसाब से? धाम धनी की तृतीय स्वरूप रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में आकर के कुरान ग्रंथ के द्वारा भविष्यवाणी करके रखा, आत्मा जागृति का समय, क्यामत का समय उसको आखर का दिन करके कहा, अंतिम दिन अंतिम समय यानी कि आत्मा जागृत होने का समय, जो दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं सदी का समय करके कहा। तो हम आत्माएं उस समय में है, जैसे दसवीं सदी का समय सदगुरु महाराज की लीला, ग्यारहवीं सदी का समय महामति प्राण्य जी की लीला, और बारहवीं सदी का समय ये छठी दिन की लीला है। अब वैसे तो उसके अंदर कुछ बारीकी हिसाब भी है, परंतु सार रूप में देखें तो ये बारहवीं सदी की लीला, और जब तक सृष्टि चलती रहेगी ये बारहवीं सदी के अंदर ही सृष्टि चलती रहेगी। इसमें बातवीं सदी की बात है, और जैसे ही बारहवीं सदी पूरी होकर के तेरहवीं सदी का समय आएगा, धनी ने वाणी में ही कहा तेरहवीं कार गुजार, तेरहवीं सदी का समय तो प्रारंभ में ही कार गुजार यानी कि कार्य पूरा होने का, खेल तमाम होने का समय है, वो परात्मा स्वरूप में आत्मा जागृत होने का समय है। इसलिए अभी वर्तमान हम जिस समय में है ये आखर का समय भी अंतिम बारहवीं सदी का समय है, और जैसे हम कह रहे हैं सातवीं दिन की लीला परात्मा स्वरूप में आत्मा जागृत होने का समय, वो तेरहवीं में कार गुजार तेरहवीं सदी के समय में कार गुजार खेल पूरी होने का समय है। कल भी हम चौपाई प्रसंग में जोड़ रहे थे, अब वाणी अद्वैत में गाओ निज स्वरूप की नींद उड़ाओ, सब संयों को भेली जगाओ पीछे अक्षर को भी उठाओ। तो कहा ना ये अद्वैत वाणी को गा करके निज स्वरूप का नींद उड़ाना, निज स्वरूप का नींद उड़ाना का मतलब है परात्मा स्वरूप में आत्माओं को जागृत कराना। तो यहां धनी उस परात्मा स्वरूप में आत्मा को जागृत होने के लिए आह्वान करते हुए कहते हैं, हे आत्माओं उठ के नहाइए जमुना जी, उठो जागृत हो जाओ, परात्मा स्वरूप में जागृत होकर के फिर हमें क्या करना है, जमुना जी में स्नान करना है, झिलना करना है, क्योंकि 25 पक्ष परमधाम की शैर लीला बिहार लीला में नित्य प्रति हम अलग अलग स्थान में अलग अलग कई तरह के सुख आनंद अनुभव करते थे। चौथी प्रहर का समय, चौथी प्रहर का समय कहने से दिन के 3 बजे से लेकर के 6 बजे का समय तक ये 25 पक्ष परमधाम में वन विहार का समय है, और अगर शुक्ल पक्ष का समय हो तो चौथी प्रहर और पांचवीं प्रहर यानी कि दिन के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, और फिर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये वन में ही विहार करते थे हम आत्माएं। और परमधाम से जिस दिन हम ये संसार में आए कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, तो परमधाम के 25 पक्ष के सुख आनंद अनुभव करने के, वन विहार करने के, 25 पक्ष परमधाम के विहार करने के प्रसंग में अगर देखे तो परमधाम के हिसाब से आज का दिन जमुना जी में पाठघाट में लीला करने के लिए जाने का प्रसंग था। तो 3 बजे से 6 बजे के बीच में ये चौथी प्रहर के समय में
जमुना जी के पाठघाट में बिहार के लिए लीला के लिए क्रीड़ा के लिए जाना था, परंतु आज के दिन जैसे ही हमने प्रातः काल के समय में ही अक्षय ब्रह्म को देखा, नामधनी को हमने प्रश्न किया यह अनजान पुरुष कौन है, तो यहां से आगे इस करब्द प्रेम संवाद का प्रसंग आज के दिन सामने में उपस्थित हुआ, जिसके फल स्वरूप तीसरे प्रहर पूरे होकर के चौथे प्रहर के प्रारंभ के समय में जब धाम धनी के तीसरे भौम के नीले पीले मंदिर में उठापन होने के पश्चात सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित होने के पश्चात धनी हम आत्माओं को पूछ रहे थे, हे सखियां आज परमधाम के कौन से स्थान में लीला विहार करने के लिए जाना है, नित्य विहार के प्रसंग के हिसाब से देखें तो आज जमुना जी के पाठ घाट में जाना था, परंतु प्रातः काल से ही अक्षर के खेल के विषय में इस करब्द प्रेम संवाद चल रहा था, तो ये 3 बजे के समय में भी धाम धनी के समक्ष हमने कहा, धनी आज हमें कहीं नहीं जाना है, अक्षर ब्रह्म के खेल देखने के लिए जाना है। फिर अक्षर के खेल के विषय की बात हुई, प्रेम संवाद और बढ़ती गई, चलते चलते 4 बजे के समय में फिर धाम धनी ने हम आत्माओं को रंग महल के प्रथम भौम वर्तमान हम जिस बैठक को मूल मिलावा के बैठक के रूप में चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं, उस स्थान में सुंदर बैठक में बिठाए। उस बैठक में बिठा करके भी धनी ने कई प्रयास किए कि हे आत्माओं अक्षर के खेल देखने के विषय में जिद ना करो, अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे, ये शुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, आग पानी पत्थर को ही पूजोगे। परंतु हम आत्माओं ने धनी का एक भी नहीं सुना। फलतः ठीक 4:30 बजे के समय में हम आत्माओं की सुरता ये संसार की तरफ लौट गया। जो आज्ञा भई हम पर तब हम जान्या गोकुल घर। धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने हम आत्माओं को खेल देखने के लिए आज्ञा किए तो कब की बात है ये, आज का दिन 4:30 बजे के समय परम धाम के हिसाब से, तो नित्य नियम के हिसाब से देखे तो ये 4:30 बजे तो वन विहार का समय था, और आज के समय के हिसाब से देखे तो वास्तव में 3 बजे ही हमें रंग भवन से निकल करके जमुना जी में जाकर के पाठ घाट में जमुना जी में जल क्रीड़ा झीलना की लीला कई तरह की लीला करनी थी, परंतु खेल के विषय की बात बीच में आने के कारण 4:30 बजे के समय तक तो हम रंग महल मूल मिलावा के बैठक में ही धनी के साथ संवाद करते रहे, और उसी संवाद करते करते फिर 4:30 बजे के समय तो हम पाठ घाट नहीं यह संसार रूप धोबी घाट में हमारी सुरता को धाम धनी ने भेज दिया, हम आत्माएं संसार रूप धोबी घाट में आकर की धोबिनी बन गई, ब्रजमंडल का रासमंडल का फिर ये जागनी के ब्रह्मांड की लीला, तीनों ब्रह्मांड की लीला धाम धनी हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए 5 स्वरूप में पधारे, एक एक स्वरूप में पधार करके किस तरह से हम आत्माओं को सुख दिया आनंद दिया ये वाणी चर्चा के प्रसंग में एक एक दिन की लीला 5 दिन तक हम श्रवण करते रहे, और फिर धाम धनी के वाणी के माध्यम से ही 6 दिन की लीला में भी वाणी के माध्यम से वही परम धाम का चिंतन, परम धाम का सुमिरन, परम धाम का ध्यान, अपने सुरता को ही निज धाम परम धाम परात्मा स्वरूप में ही केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो धनी कहते हैं उठके नहाइए जमुना जी, तो उठ करके जमुना जी में झीलना करना है, स्नान करना है, क्यों? इसमें दोनों भाव है, एक तो हम जैसे विश्राम करते हैं सो जाते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं? स्नान करते हैं ना, तो इस हिसाब से भी देखें तो हम आत्माओं के ऊपर परामर्श की पर्दा, अज्ञान रूपी पर्दा, नींद रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, ये नींद रूपी पर्दा, अज्ञान रूपी पर्दा हटते ही
अब फिर क्या करना है, झिरना करना है। उस भाव से देखे तो भी उठ के नहीं ये जमुना जी, और दूसरे भाव से देखे नित्य नियम के हिसाब से आज हमारी लीला जमुना जी में पाठघाट में जाकर के झिरना करना था, तो परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे तो किस समय में जागृत होंगे हम? 4:30 बजे के समय में ही जागृत होंगे ना, क्योंकि खेल तो कई युग युगांतर व्यतीत हुआ, परंतु परमधाम के हिसाब से देखें तो सोई घड़ी सोई पल है। परमधाम में बिल्कुल समय कुछ भी नहीं हुआ है, वही घड़ी वही पल है। 20वें प्रसंग में मार्कंड ऋषि के दृष्टांत के प्रसंग के ऊपर हम कुछ चर्चा कर रहे थे। मार्कंड ऋषि को भगवान ने माया दिखाए तो समय कितना हुआ था, भगवान जी वो चंदन घिस रहे थे तो चंदन का घिसते समय वो फेरा आधा फेरा ही हुआ था। इतने समय के अंदर भगवान ने मार्कंड ऋषि जी को माया दिखाए, तो हम आत्माओं को धाम धनी ने ये मायावी खेल, भुलनमय खेल, विस्मृतिमय खेल, असत जड़ दुखमय खेल दिखाए, खेल के हिसाब से देखते समय तो कई समय व्यतीत हुआ, पर आत्मा दृष्टि से परम धाम के समय के हिसाब से देखे तो धनी स्वयं वाणी में कहते हैं सोई घड़ी सोई पल, वही घड़ी है वही पल है। और यह संसार हमारे लिए इतना अपरम पार लग रहा है ना, धनी वाणी में कहते हैं खस खस के दाने में दिखाया चौदह भवन। खस खस के दाना मतलब एकदम छोटे से ओ दाना के जैसे अवस्था में दिखाया चौदह भवन, 14 लोक ब्रह्मांड को दिखा दिए, मतलब जगत को दिखा दिए। कलश वाणी में ये खेल दिखाने के लिए वो जागृत का शक्ति अथवा समय कितनी मात्रा में प्रयोग हुआ है, इस विषय में प्राणनाथ जी ने एक उदाहरण देकर के समझाया है। मानो 1,00,000 पत्ता को एक साथ में रखा जाए और उस पत्ता को एक तीर के द्वारा, एक बाण एक तीर मार करके उसको छेदन करना हो, और 1,00,000 पत्ता को छेदन करते समय वो तीर के द्वारा वो बाण के द्वारा छेदन करते समय एक पल भर समय में 1,00,000 पत्ता एक साथ में छेदन हुआ, तो एक पल में तो 1,00,000 पत्ता छेदन हुआ, तो 1,00,000 पत्ता क्रमश देखे तो एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा होकर के ही वो छेदन होगा ना, छेद होगा यानी भेदन होगा। तो 1,00,000 पत्ता को छेद करने के लिए एक पल भर समय लगा, तो उसमें से एक पत्ता को छेदन करने के लिए कितना समय लगा होगा? एक पल को 1,00,000 भाग में विभाजन करके 1 भाग का समय ले तो 1 पत्ता को छेदन करने के लिए उतना ही समय लगा। प्राणनाथ जी कहते हैं जागृत के समय से देखें तो ये खेल बनने के लिए इतना ही समय लगा है, और जागृत के शक्ति में से ये खेल बनने के लिए इतना ही शक्ति लगा है। एक बार तो इतना कहते हैं, फिर तुरंत प्राणनाथ जी कहते हैं इतना भी कहने मात्र के लिए है, वास्तव में इतने भी समय नहीं लगा है, इतना भी बल नहीं लगा है, फिर भी इतना भी अगर शब्द में प्रकट करके जाहिर करके न कहो तो फिर कैसे समझाओ? तो समझाने के लिए इतना शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। कहने का मतलब न कुछ बल लगा है न कुछ समय ही लगा है, मतलब सोई घड़ी सोई पल है। 4:30 बजे के समय में ही खेल पूरी होगी, तो 4:30 बजे का समय नित्य नियम के 4:30 बजे का समय नित्य रूटीन के हिसाब से कौन सी लीला करने के समय है, 25 पक्ष परम धाम की विहार करने का समय है। अब आज का समय 3 बजे से 4:30 का समय तो खेल के प्रसंग से चला गया, बाकी जो 6 बजे तक का 4 घड़ी समय भी तो बाकी है ना, तो वो समय भी अगर वन विहार के परम धाम की सुख विहार करने के लिए आनंद करने के लिए जाए तो आज के दिन जाने का स्थान कहाँ है, पाठघाट है, तो वहां जाकर के क्या करेंगे, झिलना करेंगे। तो ये दोनों भाव के द्वारा धनी कह रहे हैं उठ के नहाइए जमुना जी। अब जमुना जी में झिलना करने के बाद फिर क्या करेंगे, नित्य प्रति ये 4थे प्रहर के समय में 8 घड़ी का समय है, एक प्रहर में
जिसमें 6 घड़ी तक रहमत होने के पश्चात 2 घड़ी जब बाकी रहता है तो 1 घड़ी में झीलना और 1 घड़ी में श्रृंगार। तो परम धाम में श्रीराज जी की श्रृंगार अष्ट प्रहर लीला के प्रसंग में कितनी बार श्रृंगार का वर्णन आता है? 3 बार। प्रथम प्रहर के समय में तीसरी भूम की दहलान में 7:30 बजे से पहले, और तृतीय प्रहर और चतुर्थी प्रहर के बीच में यानी कि 3 बजे के समय में धामधनी का दूसरा श्रृंगार नीलो पीलो मंदिर में, और संध्या 6 बजे के समय में जमुना जी के पाड़ घाट में झीलना के पश्चात श्रृंगार लीला, ये धनी की तीसरा श्रृंगार है। और श्यामा जी की श्रृंगार 2 श्रृंगार का वर्णन आता है। प्रथम प्रहर के समय के बीच में 7:30 से पहले तीसरी भौम के आसमानी रंग का मंदिर, जो 6,000 मंदिर के 2 हार में से दूसरा हार मंदिर, 28 स्तंभ के चौक से दक्षिण तरफ का पहला मंदिर जो आसमानी रंग का मंदिर है, जहां श्यामाजी महारानी की श्रृंगार लीला होती है, ये पहला श्रृंगार है। और संध्या के समय में जमुना जी में झीलना करने के पश्चात जो श्रृंगार लीला है या श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार है। तो इसीलिए वाणी में हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, सागर ग्रंथ में राज्य की श्रृंगार 3 बार और श्यामा जी की श्रृंगार 2 बार वर्णन होता है। किस भाव से? अष्ट प्रहर की लीला में राज्य की श्रृंगार 3 बार होती है, तो उसी भाव से सागर ग्रंथ में 3 श्रृंगार राज्य का वर्णन है। अष्ट प्रहर लीला में श्यामा जी की श्रृंगार 2 बार होती है, इसलिए सागर ग्रंथ में श्यामा जी की श्रृंगार 2 बार वर्णन है। तो सागर ग्रंथ में राज्य के 3 श्रृंगार, श्यामा जी के 2 श्रृंगार मिलाकर के 5 श्रृंगार का वर्णन है। और रास ग्रंथ के प्रसंग में मैं कह रहा था वाणी में कुल 7 श्रृंगार का वर्णन आता है। तो सागर ग्रंथ में 5 श्रृंगार और रास ग्रंथ में श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार और श्री राज जी को श्रृंगार, तो ये 7 श्रृंगार है। उसमें से ये जो परमधाम के अष्ट प्रहर की लीला प्रसंग में 4थी प्रहर की अंतिम घड़ी झीलना के पश्चात की श्रृंगार लीला, उस लीला को चिंतन कराते हुए धनी कहते हैं, उठ के नहीं ये जमुना जी कीजे सकल श्रृंगार, फिर झीलना के पश्चात संपूर्ण प्रकार से सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित होना है। उसके बाद तो फिर साथ सनमंदी मिल के, साथ सनमंदी मतलब श्रीराज जी, श्यामा जी और हम सखिया, ये आत्मिक सनमंदी हक जात कहते हैं धामधनी वाणी में, मिल करके सारे हम आत्माएं मिल करके फिर खेलिए संग भरतार, भरतार मतलब प्रियतम धामधनी हमारे स्वामी हमारे मालिक श्रीराज जी महाराज के साथ में खेलना है, फिर 25 पक्ष परम धाम के सुख आनंद में डूब जाना है। तो इस तरह से धामधनी ने उठके नहाइए मतलब यहाँ पर उठिए, जागृत हो जाइए, परात्मा का नजर खोलिए, ये आह्वान किया है। सागर ग्रंथ के मूल मिलावा का प्रकरण जिसमें पूरा मूल मिलावा का विस्तृत वर्णन किया है, तो वहां पर भी प्रारंभ में ही धनी कहते हैं, इन विधा साथ जी जागिए बताए देवरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। इस तरह से हे साथ जी, हे सुंदर साथ जी, हे आत्माओं जागृत हो जाओ। इस तरह से मतलब किस तरह से? वाणी के माध्यम से संपूर्ण लीला को चिंतन करते हुए तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हृदय को बेशक करके परात्मा स्वरूप को चिंतन करके हृदय में इश्क को भर करके धामधनी के चरण शरण में परात्मा स्वरूप में जागृत होना है। परम धाम में जागृत होने के लिए पहले तो ज्ञान के द्वारा हृदय बेशक होना चाहिए। जब हृदय बेशक होगा, सत और असत का विवेचन होगा, संसार असत है परम धाम सत है, ये प्राकृतिक देह असत है परात्मा स्वरूप सत है, ये जब शुद्धि होगा तो अपने आप संसार के प्रति वैराग्य आएगा, संसार को पीठ दे सकते हैं हम। और हृदय में इश्क को भर करके इश्क रूपी दौड़ लगाते हुए परात्मा स्वरूप में जागृत होना है। इसीलिए धनी कहते हैं, बेशक इलम सीख के
ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ अरस में, आगो इसक मेरा ले। देखिए तो परम धाम जाने के लिए, परात्मा स्वरूप में जागृत होने के लिए क्या क्या चाहिए तैयारी। कहां बेशक इलम सीख के, बेशक इलम मतलब शंका रहित ज्ञान, तारतम वाणी। कल जिस वाणी के महत्व के प्रसंग के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, ये वाणी बेशक इलम है। इस वाणी को सीख करके, अध्ययन करके, मनन करके, हृदय में धारण करके, ऐसे खेल को पीठ दे, ऐसे नाबूद खेल को, असत खेल को पीठ देना, चित्त वृत्ति यहां से हटा लेना, ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ अरस में। धनी कहते हैं देखता हूं मैं कौन दौड़ करके पहले मेरे अरस में, परम धाम में आएंगे, और आते समय खाली हाथ नहीं, आगो इश्क मेरा ले, पहले मेरा इश्क को लेकर के, प्रेम को लेकर के कौन पहले आएंगे मैं देखता हूं, धनी कहते हैं। और परम धाम तक पहुंचने का एकमात्र साधन, अथवा परम धाम तक पहुंचाने का, अथवा परम धाम तक जाने के लिए एकमात्र साधन है इश्क, प्रेम। प्रेम खोल देवे सब द्वार, प्रेम के द्वार है ये संपूर्ण द्वार, दरवाजा खुल जाता है। तासो महमती प्रेम ले तौलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। धाम दरवाजा खोलने के लिए प्रेम के तुला में धनी तौलते हैं। इश्क होवे कोटि कल्प, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, करोड़ों करोड़ कल्प तक, समय तक यात्रा करने पर भी जिस स्थान तक, जिस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते थे, धनी कहते हैं प्रेम पहुंचावे मिने पलक, पल भर में वो प्रेम वो स्थान में पहुंचा देता है। इसलिए धनी कहते हैं देखो कौन आवे दौड़ अरस में, लेके इश्क खसम, इश्क को लेकर के कौन आएंगे। तो ये बेशक इलम को सीख करके, खेल को पीठ दे करके, इश्क को हृदय में धारण करके परात्म स्वरूप में जागृत होना होगा। इसके लिए धनी कहते हैं इन विध साथ जी जागिए, इस तरह से जागृत हो जाओ। और फिर इसी प्रकरण के अंत में कहते हैं जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए परात्म, सो परात्म लेके बिलसी संग खसम। देखिए तो क्या कहा, जो मूल स्वरूप है अपना, अपना मतलब हम आत्माओं के मूल स्वरूप, परमधाम मूल मिलावा के बैठक में धनी के चरण तले बैठे हुए हैं। जाको कहिए पर आत्म, जिसको परात्मा स्वरूप कहते हैं, सो परात्म लेके, उस परात्मा में जागृत होकर के, वो परात्मा के शरीर को धारण, वो परात्मा स्वरूप को धारण करके फिर क्या करना है, बिलसी संग खसम, प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के साथ में विलास करना है, परम धाम के सुख में आनंद में डूब जाना है। तो ये परात्मा स्वरूप में जागृत होने का समय है, ये सातवें दिन का समय अथवा सातवें दिन की लीला। और परात्मा में जागृत होने के बाद तो देखिए, परात्मा हमारा मूल मिलावा के बैठक में है, परात्मा में जागृत होते ही सामने में प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज सुंदर स्वरूप में विराजे हुए हैं। देखिए धनी की सुंदर छवि का वर्णन किस तरह से किया है। सेवा पूजा में हम प्रातः काल समय में धनी की सुंदर छवि, सुंदर स्वरूप श्रृंगार का चिंतन करते हैं। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूम में विराजमान भय, तहां कंचन रंग को सिंहासन, तिनके छे पाए छे डाड़े, एक एक डाड़े में दस दस रंग, जबरों की झलकत है, दो छत्री दो स्वरूप के ऊपर, दो फूल लाल मानिक के कमल केसी, नीलबिकी पांखड़ी छत्री के चारों तरफ, जबरों की झालर, छे डाड़ों पर छे कलश दो छत्रियों के ऊपर, ये आठों कलश, हेम की उत्तरती कांगरी, पश्चिमी बिछौना, एक गादी, दोए चाकले, तापर पांच तकिए, श्री राज श्री ठकुरानी जी दोए चाकले पर विराजमान भय,
कई चाकली चित्रकारी तापर बैठे श्री जुगल बिहारी दो स्वरूप चित्त में लीजिए फेर फेर आत्मा को दीजिए आत्मा से न्यारे ना कीजिए अदसिन फेर फेर कीजिए दर्शन पहले अंगुरी नख चरण मस्त कलों कीजिए वर्णन सब अंगों वस्त्र भूषण शोभा जाने आत्मा के लगन सुंदर श्री ठकुराणी जी को श्रृंगार सिंदुरिया रंग जड़ाव की साड़ी श्याम रंग जड़ाव के कंचुकी नीली लाई को चरणिया श्रीराज जी को श्रृंगार सिंदुरिया रंग जड़ाव के चीरा आसमणी रंग जड़ाव के पिछौरी नीलो न पीलो बीस के रंग को पटुका केसरिया रंग जड़ाव कुंजार श्वेत रंग जड़ाव को जामा श्री जुगल स्वरूप को मूल बागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम मतलब श्री जुगल स्वरूप को मूल बागो मूल बागा मतलब मूल मिलावा के बैठक में विराजे हुए जुगल स्वरूप की मूल बागा मतलब स्वरूप श्रृंगार और सिंहासन की ये सारी शोभा किस तरह से चिंतन कराए एक एक शब्द शब्द के द्वारा हम यहाँ बैठे हुए भी आत्मिक दृष्टि से ध्यान दृष्टि से वो छवि वो स्वरूप को चिंतन कर सकते हैं पर आत्म स्वरूप में जागृत होने के बाद सामने में वही स्वरूप का दर्शन होगा और संध्याकालीन सेवा पूजा में भी महामति प्रारण्य जी के वाणी के सहारे वही स्वरूप का चिंतन कराया है स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल फेर फेर महबूब जी आवत हृदय किया किनने तेरा कौल फैले हाल इन चौपायों के द्वारा भी उस सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है दर्शन कराया है वो स्वरूप का हम दर्शन करेंगे फिर परात्मा स्वरूप उनकी स्वरूप श्रृंगार देखे तो श्यामा जी की स्वरूप श्रृंगार के हिसाब से ही सुंदर सात का बताया है फिर मूल मिलाव में जागृत होने के बाद तो सारा 25 पक्ष परम धाम रंग महल के नौ भवन दशमी चांदनी का सुख और रंग महल के सातों परिक्रमा बाहर निकल करके देखे तो सातों परिक्रमा में क्या क्या है चांदनी चौक बट पीपल की चौकी फुलबाग नूरबाग लाल चबूतरा खड़ोकली ताड़बन से होते हुए चांदनी चौक में आइए पहला परिक्रमा फिर उसके बाद सात घाट जमुना जी अक्षरधाम कुंज निकुंज बन हाउज कौशर तलाव 24 सांस का महल पश्चिम चौगान दुब दुलीचा अन्नवन फिर उधर बड़ोवन मधुवन महावन से होते हुए पुखराज पर्वत फिर पूर्व में आने पर दूसरी परिक्रमा पूरे होते हैं फिर तीसरी परिक्रमा में जबरों की नहर चौथी परिक्रमा में माणिक पहाड़ का हद पांचवी परिक्रमा में बन की नहर छठी परिक्रमा में छोटी रांग अथवा चार हार हवेली और सातवीं परिक्रमा में बड़ी रांग में आठ सागर आठ जिमी जिसमें नोर नीर शीर दधी घृत मधु रस और सरबरस यही आठ सागर का बातुनी सागर फिर मूल मिलावा के बैठक के अंदर आठ सागर और आठवीं सागर जो सरबरस सागर है उसका बातुनी सागर मूल मिलावा के बैठक में श्रीराज जी के मेहर का सागर दया का सागर कृपा का सागर श्रीराज जी का मेहर का सागर मतलब हृदय का सागर दिल का सागर मेहर का सागर मतलब क्या है श्रीराज जी के दिल का सागर है ये सारे सुख हम आत्माओं के लिए वो खजाना है वो 25 पक्ष परम धाम हमारे आत्मिक सुख आत्मिक विहार करने का स्थान है तो परात्मा स्वरूप में जागृत होने के बाद पुनः पहले तो राज्य की पातशाह और बाह्यदत्त की सख जिस तरह से समझना था वो गहराई से समझी नहीं थी खेल देखने के बाद राज्य की पातशाह भी समझ में आया वाहिदत का इश्क भी समझ में आया और अब तो बस परम धाम में सुख ही सुख आनंद ही आनंद इस तरह से परात्म स्वरूप में जागृत होकर 25 पक्ष परम धाम की सुख धाम धनी के साथ में आनंद अनुभव करना है तो वो परात्मा स्वरूप में जागृत होने का समय है सातवें दिन की लीला तो इस तरह ये सात दिन की वाणी चर्चा के माध्यम से जितने समय के द्वारा जितने प्रसंग के ऊपर हम चर्चा कर सके तो साराम स्वरूप में 6 दिन की खेल की लीला और सातवें दिन परम धाम में उठने की लीला प्रसंग के ऊपर चिंतन करने का प्रयास किया गया तो अभी के समय मैं ये अब यहीं पर विश्राम करने जा रहा हूँ तो कल भी मैंने थोड़ा सा संकेत किया गया था आज इस कार्यक्रम सप्त दिवसीय कार्यक्रम का ये सातवीं
अथवा अंतिम दिवस का बैठक है। अब इसके पश्चात श्रीमद् भगवत गीता प्रवचन जो नित्य हम श्रवण करते आ रहे हैं वो श्रवण करेंगे और उसके पश्चात फिर अंतिम सत्र में अंतिम बैठक में परम पूज्य परम वंदनीय श्री गुरु जी जिनकी कृपा के द्वारा ये अध्यात्म विद्या महामति प्राणनाथ जी की वाणी की सिद्धांत सुंदर साथ तक सेवा करने का और स्वयं अपने जीवन में जितना हो सके चिंतन मनन करने का एक काबिल बन सका ये धाम धनी श्रीराज जी की कृपा और पूज्य गुरु जी की कृपा के द्वारा ही संभव हुआ है। इसीलिए ऐसे पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से अंतिम में हम 7 दिन के साराम स्वरूप और आशीर्वादात्मक शब्दों को श्रवण करेंगे और गुरु जी के शब्दों के साथ वाणी के साथ ही ये कार्यक्रम पूर्ण होगा। तो ये सप्त दिवसीय कार्यक्रम के वाणी चर्चा के प्रसंग से अब धाम धनी की असीम अनुकंपा को आत्मसात करते हुए पूज्य श्री गुरु जी के असीम अनुकंपा को आत्मसात करते हुए अंतर हृदय से नमन वंदन आभार व्यक्त करते हुए और साथ में 7 दिन तक श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमें अध्यात्म चिंतन कराने वाले साध्वी मीरा मंजरी आपको भी अंतर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए साधनालय के सभी प्रचारक प्रचारिकाएं साधक साधिकाएं आप सभी राज्य के प्रिय आत्मस्वरूप सभी को अंतर हृदय से आभार प्रकट करते हुए अब चौपाई दोहराकर मैं ये सप्त दिवसीय वाणी चर्चा मुझे जो गुरु जी ने एक सेवा का जिम्मेदारी दिए इसको मैं विश्राम करता हूँ। फिर श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करेंगे फिर श्री गुरु जी के आशीर्वादात्मक शब्दों को श्रवण करेंगे ये तो चलता रहेगा। मैं अपने शब्दों को वाणी चर्चा के प्रसंग को यहीं पर विश्राम करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उठ के नाये जमुना जी कीजे सकल सिंगार साथ सनमंदी मिलके खेलिए संग भरतार खेलिए संग भरतार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बायजुराज की महाराज छत्रसाल की तीनों पुरी धाम की समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रथम लागु दो चरण को धनी छोड़ायो छेना लांक तली लाल एणिया मेरी जीव के पति श्री मेहराज सोना तेज कुंवरी श्यामा जुगल को प
पल पल करो प्रणाम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। श्री सतगुरु महाराज की जय। सप्त दिवसीय कार्यक्रम के आज सातवें दिन में उपस्थित परम पूजनी परम वंदनी आदरणीय श्री गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। उपस्थित वाणी प्रवक्ता परम वंदनी परम आदरणीय महाराज जी को प्रणाम एवं संपूर्ण धर्म प्रचारक धर्म प्रचारिका साधक साधिका समस्त सुंदर साजे आप सभी को सादर प्रेम प्रणाम प्रणाम। श्री राज जी महाराज की असीम अनुकंपा उनकी मेहर श्री गुरु जी की मेहर से हम श्रवण करते आज सातवें दिन में श्री गीता जी के 13 अध्याय को लेकर के उपस्थित जो हम लोगों ने कल तक के प्रसंग में 18 श्लोकों तक श्रवण किया जिसमें भगवान ने स्वयं 18वें श्लोक में बता दिया कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या श्रवण किया क्षेत्र के विषय में ज्ञान के विषय में और ज्ञेय तत्व के विषय में 18 तक श्रवण करके आए। अब 19 से लेकर के 23 तक भगवान ने एक प्रसंग बताया पुरुष और प्रकृति। भाषा परिवर्तन है जिसको भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा था उसी को यहाँ पुरुष और प्रकृति शब्द से बता रहे हैं। प्रकृति कहें मतलब क्षेत्र, पुरुष अथवा क्षेत्रज्ञ। तो कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवा। ये जो प्रकृति है ये प्रकृति कौन है जो त्रिगुणात्मक है जो भगवान ने कहा मम माया दुरत्यया मेरी माया बहुत ही ताकतवर है और वो माया को ही प्रकृति शब्द से कहा उसी को त्रिगुणात्मिका भी कहा मतलब तीन गुणों वाली सत रज और तम। ये तीन गुणों वाली जो है ये कौन है ये प्रकृति है और ये प्रकृति के द्वारा ही इस जगत का विस्तार है। प्रकृति ही जब परिणमित होती है तो वह जगत के रूप में दिखाई देती है। प्रकृति ही परिणमित होकर के मोह तत्व के रूप में मोह तत्व से अहंकार फिर पंचमा सूक्ष्म पंच महाभूत फिर इंद्रियां मन स्थूल भूत इस तरह से विस्तार हुआ। तो प्रकृति का ही विस्तार है ये सारा जगत अथवा कहें कि प्रकृति ही है। दूसरा कहा पुरुषम, पुरुष मतलब जो दृष्टा है जो साक्षी भाव से देखने वाला है वो कौन है वो पुरुष है।
प्रकृति के द्वारा विस्तार इस जगत में भोक्ता के रूप में कौन है? वो पुरुष है। और कहते हैं विकार अंश गुणा सेव विद्धि प्रकृति संभवान, ये दोनों हैं तो अनादि हैं, मतलब इनका कोई आदि नहीं है पर अनादि हैं, इनका कोई प्रारंभ नहीं है। अब सृष्टि में देखेंगे तो सृष्टि में तो ये अनादि ही है, सृष्टि का एक प्रवाह रूप अनादि है। तो जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से तो ये त्रिगुण है ही और रहेगा भी। तो ये अनादि रूप है। और कहा कि विकारांश गुणाश्चैव, अभी प्रकृति के द्वारा जो ये जगत उत्पन्न हुआ है, भगवान कहते हैं इसको तुम अनादि जानो, अनादि समझो। और इसके अंदर जो विकार हैं, कहा एक विकार कहा, दूसरा गुण कहा। विकार क्या है, गुण क्या है? विकार की परिभाषा है कि पूर्व अवस्था का त्याग और जो नई अवस्था उत्पन्न होती है उसी को विकार कहा। तो पूर्व अवस्था का त्याग, नई अवस्था की प्राप्ति ही विकार है। और गुण जो त्रिगुणात्मक कहा, गुणाश्चैव, गुणाश मतलब ये त्रिगुणात्मक, जो संपूर्ण पदार्थ धरती में जो कुछ भी है ये सब कैसा है, त्रिगुणात्मक ही है। सबके अंदर सत रज तम ये गुण व्याप्त है। तो ये गुण क्या है? गुण जो है ये सदा नित्य परतंत्र है, परतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है। गुण को एक आश्रय चाहिए, उसको दिखने के लिए, उसको प्रकट होने के लिए एक आश्रय चाहिए, तभी वो गुण क्या है, दिखाई देता है। आश्रय के बिना ये गुण दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये गुण सदा परतंत्र है। चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जो भी हो, किसी का जब ये आश्रय लेता है तभी ये गुण प्रकट होता है। कहते हैं कि वो बहुत तामसी है, वो बहुत राजसी है, वो सात्विक है, किस आधार पे कहते हैं? वो एक आश्रय हुआ, उस आश्रय को लेकर के वो गुण वहां से व्यक्त हो रहा है। तो गुण स्वतः व्यक्त नहीं हो सकता है, गुण को व्यक्त होने के लिए एक कोई न कोई आश्रय चाहिए, जहां से ये उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। तो ये एक विकार है और एक गुण है। आगे भगवान ने कार्य करण की उत्पत्ति में कहा, कार्य करण कर्तित्व हेतु प्रकृति रुच्यते, ये प्रकृति किस प्रकार से उत्पन्न कर रही है? तो कार्य और करण के रूप में। कार्य क्या है? इस स्थूल शरीर जो हम कहें ये क्या है, ये कार्य है। और जो सूक्ष्म शरीर है ये कारण है। और स्थूल और सूक्ष्म का जो समुदाय है, इन सब को उत्पन्न करने वाली कौन है? ये प्रकृति है, ये माया है, जिसके द्वारा ये सब उत्पन्न हो रहा है। और इसको भोग करने वाला कौन है? प्रकृति इसका भोग नहीं करती है, वो तो उत्पन्न करती है। वो उत्पन्न भोग किसके लिए करती है? पुरुष के लिए करती है। और जब वो उत्पन्न कर देती है तो इसमें सुख दुख आदि का जो भोगता है वो कौन करता है? जीवात्मा करता है। अज्ञान दशा में जो इसे भोग करता है। अब ये प्रकृति में इस तरह से जो कुछ भी उत्पन्न है वो सभी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है। और जो उत्पन्न होता है वो किस आधार पे? इस प्रकृति के द्वारा, इस त्रिगुणात्मक के द्वारा ही, तीन गुणों के आधार पर ही उत्पन्न होता है। ये गुणों का जैसा संग होता है जीवात्मा का, वैसा ही उसे योनि की प्राप्ति होती है। ज्यादा उसे यदि सत्वगुणी है तो देव योनि की प्राप्ति होगी, रजोगुणी है तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, तमोगुणी है तो तिर्यक योनि की प्राप्ति, तिर्यक अर्थात
कीट पतंगे आदि की प्राप्ति होती है। तो इन गुणों का संग जीवात्मा जैसा करता है वैसे ही उसे अच्छी बुरी ऊंच नीच योनियों की प्राप्ति होती है। वो कैसे? गुणों के संग से ही होता है। अब आगे यही जिसको अभी भोक्ता कह के आए कि ये जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जगत उत्पन्न भोग पदार्थ है जिसका भोग करता है कौन? जीवात्मा, जिसको कहा भोक्ता। उसी भोक्ता को अब अन्य शब्दों से बता रहे हैं। जिसको एक बार भोक्ता कहा, पुरुष और प्रकृति कहा, अब उससे थोड़ा हट करके कह रहे हैं कि वो हमारे हृदय में किस तरह से है। तो कहा उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो हमारे भीतर किस तरह से है? उपद्रष्टा के रूप में। उपद्रष्टा, उप मतलब नजदीक से, दृष्टा मतलब साक्षी भाव से देखने वाला, देख रहा है वो केवल। जैसे हम नदी के किनारे समुद्र के किनारे लहरें देखने के लिए जाते हैं तो वहां दृष्टा होकर के देखते हैं, ना कि उसमें छलांग लगाते हैं। तो दूर से ही देख रहे हैं तो हम कौन हैं? दृष्टा है, उसको देखने वाले हैं। ऐसे ही हमारे भीतर जो दृष्टा है, कहा उपद्रष्टा, जो एकदम करीब से देख रहा है, वो क्या देख रहा है? कार्य कारण आदि समूह को सब कुछ देख रहा है, जो साक्षी भाव से हमारे ही भीतर अत्यंत करीब से समीप से वो देख रहा है। दूसरा कहा अनुमंता। अब ये उपद्रष्टा को अगर कहेंगे तो ये दृष्टा तो हर किसी में है। जीवात्मा तो चाहे भक्ति हो, शरणागति हो या ना हो, पर वो दृष्टा रूप में वो जीवात्मा तो हर किसी में बैठा हुआ है। वो सब कुछ देख रहा है, वो साक्षी भाव है। पर आगे कहा अनुमंता। अनुमंता का मतलब होता है कि अपने ही भीतर से एक आवाज आती है। कभी कहीं हम ऐसे दुविधा में पड़ जाते हैं, कभी ऐसी समस्याओं में गिर जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे भीतर से ऐसी आवाज आई। वो आवाज कब आती है और वो आवाज सत्य कब होती है? जब भजन होती है, जब भक्ति होती है, जब शरणागति होती है, जब समर्पण भाव होता है, जब हमारा एक वरण शुद्ध होता है, तो भीतर से ही एक हमें स्वयं दुविधाओं में सलाह देने वाला है। तो उसका नाम दे दिया यहाँ पे अनुमंता च। यहाँ पे अन्य कई शब्दों के द्वारा भगवान ने बताया है। फिर उसी को भरण पोषण के नाम, भरण पोषण के आधार पर भर्ता कह दिया। क्यों? कैसा है? भर्ता है जो भरण पोषण आदि करता है। फिर महेश्वर भोक्ता, भोग करने वाला, जीव रूप हो करके वही भोग करता है। महेश्वर, वही जब अत्यंत भक्ति बढ़ जाए तो वही स्वरूप में भी भासमान होता है। तो कहा परमात्मेति चाप्युक्त देहे अश्विन पुरुषः परः। वह परमात्मा हम सबके भीतर ही है। कहा देहे अश्विन पुरुषः परः, हमारे ही देह अर्थात इस शरीर के अंदर वह आत्मा रूप में स्थित है। अब भगवान ने इस पुरुष और प्रकृति को गुणों के सहित जो मनुष्य जानता है तो उस क्या होता है? तो भगवान कहते हैं कि गुणों के द्वारा, प्रकृति का गुण क्या है, पुरुष का गुण क्या है, इन दोनों को जो मनुष्य तत्वतः जानता है, तत्व रूप से जानता है, क्या जानता है? प्रकृति कैसी है? ये जड़ है, इन ब्रह्मांड जो बनाया है, दृश्य मात्र जो जगत है, कार्य है, व्यवहार है, ये सब कैसा है? क्षण भंगुर है, ये नाशवान है, यह अनित्य है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात जान खिली न खिली। यह क्षण भंगुर है, ये अनित्य है, ये मिटने वाला है,
यह नित्य नहीं है। तो जब ये प्रकृति को किस रूप में जान लिया कि यह प्रकृति ही परिणमित होकर के जगत के रूप में विस्तार हुई और ये जगत कैसा है, अनित्य है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, इस तरह से ये प्रकृति को तत्वतः जान ले। और पुरुष कैसा है, पुरुष सदा नित्य है, अविनाशी है, अखंड है, शाश्वत है, इस तरह से दोनों का तत्वतः ज्ञान हो जाए कि एक जड़ है दूसरा चेतन है। जब इस तरह से जड़ और चेतन दोनों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए तो भगवान कहते हैं कि फिर तो वह जन्म ही नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया। और जब वो जड़ के रूप में सृष्टि को देखा, इस जगत को देखा, तो क्या हुआ, इससे वो असंग रहा, इससे उसका संग ही नहीं हुआ, आसक्ति ही नहीं हुई। और जब आसक्ति नहीं होगी तो एकदम इससे निर्लेप, उसमें उसको कोई लेप ही नहीं लगता, इसमें अलग रहता है। जल में नहाइए, कोरे रहिए, जल कमलवत की भांति, जल में संसार में रह करके, माया में रह करके भी हो, माया से अलग है, तो इसलिए अब उसका पुनः जन्म नहीं होता है, यदि तत्वतः ज्ञान हो जाए तो। इस तरह से भगवान ने 23 श्लोक तक इस पुरुष और प्रकृति के विषय में बताया। 24 और 25 में चार साधन बताते हैं, ध्यानेन, सांख्येन, कर्मयोगेन और चौथा कहा श्रुति परायणाः। ध्यानेन मतलब ध्यान के द्वारा, और सांख्येन मतलब सांख्य योग जिसको ज्ञान भी कहते हैं, ज्ञान योग के द्वारा, कर्मयोगेन कर्म योग के द्वारा, और कहा श्रुति परायणः। श्रुति श्रवण परायण हो करके मृत्यु रूप संसार सागर से निःसंदेह उतर सकता है। ये चार साधन बताया दो श्लोक के अंदर। फिर 27 से लेकर के 33 तक 7 श्लोकों में परमात्मा के और अन्य चार लक्षण बताया भगवान ने, कि उस अविनाशी परमात्मा को संभाव से स्थित देखें। वो अविनाशी परमात्मा को संभाव, तो चार लक्षण में पहला बताया संभाव मतलब हर समान भाव, दूसरा कहा अकर्तारम, अकर्ता मतलब वो कर्ता, वो कर्ता नहीं है किसी चीज का, वो कर्ता नहीं, करने वाला नहीं है, और अकर्ता है, इससे अलग है। और तीसरा का अधिष्ठान, और चौथा निर्लेप मतलब वो इसमें लेप नहीं है। ये चार बताया भगवान ने इन 27 से लेकर के और 33 श्लोकों तक। ये चार लक्षण भगवान का बताया कि वह अकर्ता है, सभी कर्मों को करता हुआ देखता है फिर भी वो उसमें लिप्त नहीं है। जैसे हम किसी कार्य के कर्ता स्वयं बन जानते हैं, मैंने किया, मैंने सब, उस तरह से कर्ता नहीं, और कर्ता होने के कारण ही हम बंधन में पड़ जाते हैं। कर्ता भाव जब आया, मैंने किया, फिर वहीं से अहंकार उत्पन्न होता है, फिर वहां से अब वो निष्काम भाव होता ही नहीं है, तो फिर वो बंधन का कारण बन जाता है। तो कर्म को करता हुआ देखता है लेकिन वो बिल्कुल उससे अलग है, उसको वो कोई कहीं किसी प्रकार से उसमें वो लेप नहीं होता है, अथवा कहें कि वो उसका अकर्ता है। और कहा कि वह परमात्मा जो है वो अनादि है, अविनाशी है, पर वो अनादि अविनाशी है कहाँ पर वो भास रहा है, हमारे ही शरीर के भीतर वो है, पर हमारे ही शरीर के भीतर होते हुए भी वो इसमें लिप्त नहीं होता है, वो इससे बिल्कुल अलग है।
है तो अविनाशी। अरे शरीर ही हमारी जो है ये क्या है, ये नाश्वंत है, पर इस नाश्वंत शरीर के भीतर ही क्या है, अविनाशी चेतन तत्व है। पर वो चेतन तत्व जो है कहा कि इस नाश्वंत के भीतर है, शरीर के भीतर ही है, लेकिन वो इसमें लिप्त नहीं होता है, वो इससे क्या है, अलग है। तो इस तरह से यहाँ पर और भी दृष्टांत के द्वारा भी समझाते हैं कि देह के जो शरीर के आदि जो गुण हैं, जो धर्म हैं, ये इसी के अंदर होकर के भी, देह में रह करके, देह में स्थित होने पर भी ये आत्मा कैसा है, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब है कि उसके अंदर ये तीन गुण नहीं है, सत्तो रजो और तम, ये तीन गुण से वो अलग है। निर्गुण मतलब गुण रही, कैसा गुण, वो आत्मा में ये गुण हावी नहीं होता है, सत रज और तम। तो वो इसी देह के अंदर होने पर भी इन गुणों से वो लिप्त नहीं होता है, इन गुणों से वो अलग है। तो शरीर को और आत्मा को, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को अलग बता रहे हैं, क्यों एक साथ होने पर भी वो किस तरह से अलग है। कमल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन वो कीचड़ से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे ही हमारी चेतन आत्मा शरीर के अंदर ही है, लेकिन बिल्कुल शरीर से अलग। दे दिखाई दुनिया जैसी अक्षरातीत के वासी, देखने में, दिखाने में, व्यवहार में, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सोना जागना, सारा व्यवहार हो रहा है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल माया में लिप्त है, इन गुणों में लिप्त है। लेकिन कहते नहीं, भीतर से तो बिल्कुल निर्लिप्त है, उसमें वो लिप्त नहीं है, वो इन गुणों से अलग है, इन गुणों से वो रहित है। वो कौन है, वो चेतन तत्व है, वो आत्मा तत्व है। उसी को यहाँ पर गीता जी परमात्मा भी कहा। और फिर आगे लास्ट 34वें श्लोक में भगवान ने अब सब का ला करके संग्रह कर दिया। अभी तक जो बता करके आए, इन सब को जानने के बाद होता क्या है, इनका फल क्या है, क्योंकि फल के बिना तो मंद व्यक्ति भी उस किसी कार्य में करने में अग्रसर नहीं होता है, फल चाहिए। तो इसका फल क्या है, भगवान ने कहा अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, तो क्षेत्र मतलब शरीर, वही नश्वंत विकारी क्षणी अनित्य जड़, ये क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ जो है इसके विपरीत है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, वो क्षेत्रज्ञ है। इन दोनों के भेद को जो जानता है, भेद को मतलब इस तरह से जानना कि शरीर कैसा है, क्षेत्र कैसा है और क्षेत्रज्ञ कैसा है, इन दोनों को अर्थपूर्ण रूप से जानना। कहा कि ये भेद को जो कार्य सहित प्रकृति के द्वारा उत्पन्न ये जो कार्य जगत है, इस कार्य जगत से जो पुरुष है वो इससे बिल्कुल अलग है, वो इससे बिल्कुल इसमें लिप्त नहीं होता है। इस तरह से जो अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा, ज्ञान नेत्र के द्वारा जो तत्वतः जानता है, कहते हैं कि वह ज्ञानी, वह महापुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। तो इस तरह से 13 अध्याय में 34 श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, फिर वो क्षेत्रज्ञ कौन है, तो कहा वो मैं स्वयं हूँ क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि। और पुनः
कहा कि वो क्षेत्र के विषय में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, तो उसका विवेचन उन्होंने पांचवें और छठे में किया और पुनः सातवें से उन्होंने ज्ञान का कुछ ऐसा शब्द रखा कि जिसके द्वारा एक साधक को साध्य तत्व प्राप्त करने में सरलता हो। कुछ वो बातें बताई पुनः और आगे अब भगवान ज्ञेय तत्व क्या है, उस ज्ञेय तत्व ब्रह्म तत्व को जानना चाहिए। ज्ञेय तत्व के बाद फिर पुरुष और प्रकृति, फिर पुरुष और प्रकृति के बाद भी उस परमात्मा को ज्ञान के ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कर्ता के द्वारा किस तरह से जान सकते वो बताया और पुनः वो परमात्मा कैसा है इसमें एकदम लेप रहित है, इसमें रहते हुए भी वो इन गुणों से बिल्कुल अलग है। इस तरह से भगवान ने इन 34 श्लोकों में अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष और प्रकृति क्या है, परा और अपरा क्या है, जो इसी गीता जी के अंदर ही शब्द बदल करके एक ही चीज को अलग अलग शब्दों के द्वारा बताया भगवान ने। तो इस तरह से 34 श्लोक भी 13 अध्याय पूरा होता है, समय भी पूरा होता है। आज हमारा 7वां दिन है, जो अंतिम दिन है, तो इस 7वें दिन की समापन की ओर हम अब चल रहे हैं। परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गुरुजी की आज्ञानुसार और उनकी कृपा उनकी दया से जो स्वयं मुझे एक चिंतन करने का, एक अध्ययन करने का और फिर उसके द्वारा आप सबके बीच में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं श्री गुरुजी के चरण कमल में कोटान कोट कर बद्ध प्रेम प्रणाम करती हूँ और परम आदरणीय परम वंदनीय महाराज जी को मैं प्रणाम करती हूँ और साथ साथ में यहाँ उपस्थित समस्त प्रचारक प्रचारिका साधक साधिका समस्त सुंदर साथ जी आप सभी को भी सादर प्रेम प्रणाम करती हूँ और पुनः इस श्लोक को उच्चारण करते हुए हम अपनी वाणी को विराम करेंगे और परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय श्री गुरु जी के द्वारा हम अब आशीर्वादात्मक और उनके मुखारविंद से शब्द को श्रवण करेंगे। तो हम अपनी वाणी को अब यहीं विराम देंगे इस श्लोक उच्चारण करते हुए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। कृपा करसो अमजतनी सिखा मन दियो छो अति घनी आयन से लियो छो अमारी सार तो मोजल उतर सो पार तो मोजल उतर सो पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। परमादरणीय वाणी चर्चा प्रवक्ता श्री प्रेमल पिया जी महाराज, श्रीमद् भागवत गीता प्रवक्ता मीरा मंजरी जी, साध्वी जी और विद्यार्थीगण, प्रचारक प्रचारिकाएं, सुंदर साथ, सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करना चाहते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण प्रणामी साधना लया, ये धर्मपुर रायगढ़, हमने यहाँ अलग अलग क्लासेस
और शिविर होता रहता है। इसमें 2 महीना का कोर्स भी है और धर्म प्रचारक कोर्स भी है, निजानंद कमांडो कोर्स भी चल ही रहा है। इसी में अभी वर्तमान धर्म सेवा कोर्स में आए हैं हमारे पूजनीय माता पिताएं, और सभी प्रकार के समय निकाल करके सुबह शाम पूजा अर्चना ध्यान धारणा और ज्ञान का विषय तो हम सब साक्षी रूप से देख रहे हैं। और कुछ दिन पहले हमारे स्वामी चिदानंद जी, जिन्होंने मुझे स्वामी चिन्मय मिशन में लगभग आज से 33-34 साल पहले की बात है, उन्होंने गीता का एक एक श्लोक और अक्षरशः अध्ययन कराए थे, और उपनिषद बहुत सारे ऐसा शंकरा फिलोसॉफी अध्ययन कराए जिनका दर्शन आप लोगों ने किया, और बहुत समय बाद उस गीता का थोड़ा सा एक दिमाग में रिकलेक्ट भी हुआ। लेकिन हमने जब मिशन में उपनिषद गीता करने के पश्चात यही दिल में चलता रहा कि ठीक है, धर्मशास्त्र आया और बड़े बड़े संत महापुरुष हुए और उपनिषदों का टीका हुई, शंकराचार्य इतना बड़ा भाष्य लिखे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तो बस 400 साल पहले सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज भी तो संसार में आए, और महामति प्राण जी जैसे व्यक्तित्व भी तो हुए जिन्होंने 18,000 चौपाइयाँ दिए। तो अब मेरा दिमाग सार को ढूंढना प्रारंभ करता था। तो फिर उस अध्ययन के पश्चात गुरुजी दीनदयाल जी महाराज के पास फिर 5 साल रहा, और फिर वाणी का अक्षरशः अध्ययन किया, तो देखा कि जो परमधाम की बातें हैं और शास्त्रों की जो बात है, महामति प्राण जी समर्थन किए हैं कि जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुच्छ। फिर वाणी के अंदर से ही हमने धर्मशास्त्र को भी मिश्रित करते हुए उसको समय देश काल परिस्थिति और देने वालों ने दे भी दे तो लेने वालों का दिल दिमाग भी देखना होता है। तारतम्य वाणी अपने आप में इतनी कठिन है, भाषा का ज्ञान होना, शब्दार्थ के ज्ञान होना, और सृष्टि रचना से लेकर के परम पुरुष परमात्मा श्रीराजी तक पहुँचना बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। गुरुजी दीनदयाल महाराज जी को मैंने पूछा था कि गुरुजी कितना साल लगेगा, गुरुजी ने बोला तेरे बुद्धि में डिपेंड करता है, तेरे मेहनत में डिपेंड करता है, और सीख करके साध करके तो कभी पूरा होता ही नहीं। फिर भी इस शरीर संसार व्यवहार में परमात्मा का जो वचन है उसके ऊपर श्रद्धा विश्वास एक अपने आनंद के लिए यात्रा प्रारंभ होता है। तो वाणी को हमने उस तरह से शास्त्रों की बातें भी यहाँ हैं, उपनिषद की बातें भी हैं, और महापुरुषों को चिंतन भी है, इसमें थोड़ा 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 करके परोसना प्रारंभ किया, और उसी में से फिर हमारे प्रेमल पिया जी महाराज वाणी के ही माध्यम से जाते जाते उन्होंने इच्छा प्रकट की, और हमने भी उसका समर्थन किया कि थोड़ा सा
वाणी तो हो गया है और ये आत्मविश्वास भी है, फिर भी शास्त्र विहार कहा जाता है को हम कुछ वेदांत अध्ययन करें। और समय भी ऐसे ही हुआ था, कोरोना काल से बहुत यत्र तत्र कार्यक्रम बंद भी था, फिर उन्होंने उस समय को सुंदर यूटिलाइज किया, हरिद्वार में अपने अध्ययन को रखा। साथ साथ में हमारा मीरा सखी जी भी, और उस खोज में उन्होंने रामायण को तो स्वाध्याय करते भी, दो चार रामायण का चर्चा कथाएं, क्योंकि मीरा सखी तो गोरखपुर से ही उस साइड में से है, तो वहाँ पर रामायण के तो बहुत हकीकत चर्चा होती ही है, कथा करते हैं रामायण के, तो उनको सरल भी पड़ा और अपने स्वाध्याय से भी उन्होंने एक दो रामायण की भी की। फिर यही समय उनका भी जचा कि खुदा शास्त्र अध्ययन करेंगे, तो हरिद्वार उस जिस आश्रम में रहे वहाँ अध्ययन मनन हुआ। तो हमारे अभी वहाँ पूरा करके जैसे ही यहाँ उनका आगमन हुआ तो हमने सोचा कि चलो एक बार अध्ययन मनन कैसा कैसा रहा थोड़ा रिवाइज भी हो जाए, और साधनालय के परिवार है और यहीं जब अन्य भी श्रोता अध्ययनरत हैं तो अपने जो सीखे सादे चीज़ को कुछ आयोजन के माध्यम द्वारा प्रस्तुत हो जाए, उस भाव से हमने सप्तदिवसीय वाणी चर्चा और श्रीमद् भागवत गीता का आध्यात्मिक परिचय करके ये आयोजन किया जो आज पूरा भी हुआ। तो हमने सप्तदिवसीय इस वाणी चर्चा के अंदर से 6 दिन की लीलाएं करके ये श्रवण किए। हालांकि कुरान में 6 दिन की बात आती है, इतना ही नहीं श्रीमद् भागवत में परीक्षित को कहा गया, परीक्षित को श्राप ही मिला ना, 7 दिन में डस के मर जाएंगे, सर्प से डसेगा मरेगा। तो जैसे ही नियम है भागवत में, जब भागवत शुरू हो जाता है तो ऐसे एक सात गांठ वाला बांस रखते हैं, हाँ पहला दिन एक फट गया, दूसरा दिन दूसरा फट गया, तो 7 दिन में 7 फट गया, ऐसा विश्वास है। तो हमारे वाणी चर्चा में भी 7 दिन की बात, 6 दिन की बात आई, 7वां दिन की बात हम सुने, लेकिन हमारा गांठ फटी कि न फटी वो देखना है, हृदय ग्रंथि जो है वो फटना चाहिए, उस हिसाब से अध्ययन करता है। लेकिन भागवत ने परीक्षित को तो विमान आ गया और वो तो चले गए, जहाँ भी जाए, चले तो चले, विमान तो आया, और इतने श्रोता थे उनको नहीं आया बोलते हैं। 88,000 सुनने वाले में से सिर्फ परीक्षित को आया, क्यों? क्योंकि उनको अंदर से एक भय था कि 7 दिन को, 7 दिन ही मेरा जीवन है, अब मेरा मरने का समय हो गया। और हमें कितने बार भागव सुनते हमारा कुछ फटता ही नहीं है, इनके ऐसा क्यों? क्योंकि परिचित को 7 दिन में मरने का अवेयरनेस था और हम तो अजर अविनाशी हैं, हम कभी मरते नहीं, और ये 6 दिन 7 दिन हमारे जीवन में आता ही नहीं, इसलिए हमको कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब है कि हमें भी अपने 6 दिन 7 दिन यही है, ये 7 दिन से 8वां दिन तो है ही नहीं, सोमवार मंगल बुध भी यही 6 दिन में अंदर जाना है। तो भागवत में इस तरह 7 दिन का अर्थ लगा लेते हैं, कुरान में 6 दिन का अर्थ लगा लेते हैं, अपना अपना अर्थ होगा। महामति प्राण जी ने कहा परम धाम से ब्रह्मात्माओं का 6 दिन 7 दिन का हिसाब यह है कि पहला ब्रज, दूसरा रास और वेद कतेब का साक्षी वाला समय है, 3रा दिन है, 4था दिन सदगुरु का, 5वां दिन और महामति जी का, और 6वां का बारी चल रही है, 7वां दिन तो उठ के नए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। ये हमने पूरा एक धारा प्रवाह एक सीरीज के रूप में हमने सुना।
प्यारे सुंदर साहब जी, अब आगे का होमवर्क क्या है सुन तो लिया। तो ये सीरीज को सुनते समय हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके पश्चात धीरे 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 उस सारी चीज को बीतक वाणी द्वारा अपने अंदर धीरे धीरे देखना होता है। धनी ने कहा ब्रज को सुन लिया ना, बहुत बढ़िया। रास को सुन लिया ना, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या? तो कहा कि जागनी के ब्रह्मांड से तो चेहना चरित्र चातुरी ब्रज रास की लई। अब आज का हमारा होमवर्क ये रहा कि हमारा लक्षण संसार में रहते समय कैसे रहना चाहिए। तो धनी ने कहा ब्रज के लक्षण से रहो। ब्रज में कैसे रहे थे भूल गए क्या? ब्रज में सब कार्य करते थे लेकिन श्री कृष्ण को नहीं भूलते थे और श्री कृष्ण को साथ में रखते थे। जागने के ब्रह्मांड में सब कार्य करना है, जो हमें सब कार्य मतलब जो विधि और निषेध होता है, निषेध कर्म तो करना नहीं होता, गीता ने पहले बोल दी चुकी है। और जो विधि कर्म है जो करना है उस कर्म को करें, लेकिन कैसे करें? ब्रज के भाव से करें, ब्रज के लक्षण से लो। उसके बाद चेहना चरित्र चातुरी ब्रज राश की ले। ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन की अपनी जो लीला है। धनी मेहरमान राज्य कितने कृपा हैं, कृपा कर रहे हैं कि धनी ने अपने ही खुद ब्रह्मात्माओं को स्वयं के लीला ब्रज में लक्षण कराई और आम जनता में भल्ला भिजा दिए। क्या पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय बछिया उनके पेट में माखन हाट बिकाए। माखन को यानी उस महिमावान आत्माओं का लक्षण कैसा होता है करके शास्त्र में, पहले ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण अर्थात भागवत द्वारा भक्तों का लक्षण, गीता द्वारा ज्ञानी का लक्षण करके उन्हीं ब्रह्म आत्माओं को कहाँ हुए ऐसे लक्षण वाले, तो ब्रज में है करके आज दुनिया ब्रज की ओर उन्मुख हो गए। ये धनी की कृपा। आखिर वो किन की महिमा थी? ब्रह्म सृष्टि की बात थी। आ सब ब्रज गोपी करके उदाहरण लेकर के अपने जीवन प्रेममय बना रहे हैं, कृष्णमय बना रहे हैं और उसी संदेश के अंदर ब्रह्म आत्माएं वो तो मेरी लीला है करके उसी लीला को अपनी लीला को अपना उदाहरण में लेकर के अब परम धाम की यात्रा करने को धनी ने कहा। चेन चतुर चार चातुरी ब्रज राशि के लिए अनुभव असलो अंग में चढ़िया धाम के सही, लेकिन अब तुम्हें ब्रज को चिंतन करते हुए ब्रज में वापस जाना नहीं है, वो तो तुमने खेला हुआ तुम्हारी है। अब क्या करना है? उस लीला को देख करके तो संसार के जीव जो है प्रेमी बनेंगे और श्री कृष्ण के भक्ति में आएंगे और परमधाम की भक्ति करेंगे। वो तो धीरे धीरे आते रहेंगे और विश्व में अखंड होंगे, लेकिन हे ब्रह्मात्माओं आपको तो परातम में जागना होगा, मुलमिला में जागना होगा, वो लीला तुम्हारी है। इस तरह से कितना कृपा करके अगर ब्रज में हमें न उतारे होते और ब्रज की लीला हमारे से नहीं करवाए होते तो हम तो फिर संसार के जीवों को उदाहरण लेकर के कहां तक जाएंगे। और भी परम धाम के कभी भी घर में ही हम अपने बच्चों को ज्यादा आप बोलेंगे देखो पड़ोसी वाला लड़का कितना पढ़ता है, उस वाला लड़का कितना पढ़ता है करके ज्यादा पड़ोसी वाला को उदाहरण देंगे तो बच्चा बोले उन्हीं को लेकर रखो ना हमको विदा कर दो बोल देंगे। हाँ ज्यादा कंपेरिजन या मत करो दूसरों से ऐसा बोलते हैं। ऐसे परम धाम के ब्रह्म सृष्टि का लक्षण जीव को बता करके जगाए, राज्य के प्रति हृदय में पीड़ा होता है। इसलिए उन्होंने इतना मेहर किए कि अपने खुद की लीला का उदाहरण दे करके उल्टा जीव उन ब्रह्मात्माओं को ब्रजरास के उदाहरण लेकर के उनको भी उदार हो जाए और परम धाम के आत्माओं को तो मेरी अपनी लीला समझ करके किसी के सहारा लेना नहीं पड़ा उनको। इसलिए कंप्लीटनेस हुआ उनको कि किसी के सहारे में मेरे अपने ही सहारा और धनी की ही अपनी लीला को स्वभाव को देख करके मुझे सीधा हॉटलाइन परम धाम का आनंद दिया हुआ है। तो ये सारी चीजों को हमें जीवन में अनुभव करना है, प्रैक्टिकल करना है और सब देख करके मैंने धर्म कितना समझा, मेरे अंदर वाणी कितने प्रवेश हुए, धर्म कितना समझा, धाम के संदेश मेरे अंदर कितना गया,
कैसे मूल्यांकन करेंगे? बुखार नापने के लिए तो थर्मामीटर है, पानी नापने के लिए भी लीटर है, है? और कपड़ा नापने के लिए भी मीटर है, दूध नापने के लिए लीटर है। लेकिन मैंने धर्म कितना समझा, वाणी हमने कितना मेरे अंदर गया, परम धाम का रंग रूप मेरे अंदर कितना गया, इसके लिए क्या मेजरिंग रॉड है? इसके लिए तो हम अपने गुणांग इंद्र से कर्म मेरा कैसा हो रहा है और संसार में कैसे जी रहा हूँ, यही ब्रजराज की अपनी जो आईना को देखते हुए सहूर करते हुए निकलना होता है। और अंत में राज्य प्रति मेरा मर्म क्या है, वो मर्म मीटर है, ये अपना मर्म मीटर है, उससे पता चलता है कि मैंने धनी की वाणी को और परम धाम को कितना समझा हूँ। प्यारे सुंदर साज, इसलिए ये ज्ञान तो सब कुछ बटोरना है, लेकिन ज्ञान से आगे जागते हुए हम कहते हैं ज्ञान लेना ज्ञानी बनने के लिए नहीं, प्रेमी बनने के लिए है। उस प्रेम भाव को जगाना है, वास्तव में इसका लक्ष्य है। और प्रेममय धाम है, प्रेममय स्वरूप है, प्रेममय लीला है। तो ऐसे संतों ने हमारे से आगे बहुत चिंतन कर चुके हैं, उन परमहंसों ने क्या बोला है, इस वाणी को देखने वाले पढ़ने वाले उसको भी हमें आत्मसाक्ष करना है। गुरुजी मंगलदास जी का छोटा सा पंक्ति आप प्रार्थना पुष्पांजलि में सुनते हैं, और ऐसे महापुरुष उन्होंने वाणी पढ़ी और क्या बोला, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। ऐसे महापुरुष के नजरिया से सत्संग की महिमा कितने समझे, सुंदर साथ की महिमा कितने समझे, इस चीज को भी हमें जो स्वरूप ने जो ज्ञान दिया वाणी में, उन्हीं स्वरूप ने आकर लीला भी की है, उन्होंने आकर लीला भी की, ताकि जो वाणी के गहराई में जाए जाए, अच्छी बात है। लेकिन धनी ने ऐसा भी मेहर किया, सबकी इतना तक गहराई ना हो तो मेरा आचरण को भी देख करके वो उसी जगह में आए। इसीलिए परमात्मा ने, महापुरुष ने, हमारे परमहंसों ने आकर के लीला भी किए है। और गुरुजी मंगलदास जी का जो हाव भाव उन गुरु परंपरा से हमें सुनते हैं, और हमने तो आंखों से देखी भी है कितना एस्पेक्ट। तो ज्ञान जो है नोइंग, उसके बाद डूइंग, ज्ञान हम हासिल करते हैं उसे करना पड़ता है, उसके बाद बीइंग अर्थात उसी भाव में स्थापित होना पड़ता है। इसलिए तो धनी ने कौल फैल हाल की बात कही, पहला कौल बोलना सीखो, फैल आचरण में ले आओ और हाल उसी में स्थित हो जाओ। इसी लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो, बहुत यात्रा लंबी होनी चाहिए। हम तो आराम से देख लेते हैं कि कीचड़ में से कमल उगा और कमल में कीचड़ नहीं लगता, कितना सुंदर सेंटेंस है ना। लेकिन कमल को कीचड़ से उग करके और पत्ता में कीचड़ नहीं लगने तक की जो अंतरंग यात्रा है, उस अंतरंग यात्रा को वहां तक नजर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, साधना करते रहना चाहिए, और पूरा पूरा अपने ये कंटिन्यूटी जो है, ये धारा प्रवाह चलना चाहिए, लगातार चलना चलना चाहिए। इसलिए हम श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ में सुबह से शाम तक यही चर्चा परिचर्चा, कभी बैठ बैठ के वाणी चर्चा के माध्यम से, कभी ऐसे साप्ताहिक कार्यक्रम से, कभी बाहर के वक्ताओं को ला करके, कभी यहीं के वक्ताओं से, और एक तो ये ट्रेनिंग सेंटर भी है और यहाँ साधना भी है और सीखना भी। गुरुजी मंगलदास ने एक बात कही है कि सबसे सुंदर हृदय बनाने का जो समय है वो दूसरों को उपदेश करो करके कहा है। इसीलिए हमारी जो सीखने साधने के बाद यहाँ पर थोड़ा बोलने का प्रारंभ, अर्थात उपदेश देने का, उपदेश के साथ अहंकार नहीं आने का अपने जगह में है, लेकिन हृदय साफ होने का, चिंतन करने का, ये बोलने का भी है। इसीलिए यहाँ पर साधनालय आप देख रहे हैं सुबह से शाम तक ऐसे ही चलता रहता है। अब जो है परमधाम से ये मेहर तो साधनालय के माध्यम से हो या
किसी साप्ताहिक कार्यक्रम के माध्यम से हो या 108 पारण के माध्यम से हो या पूरी के माध्यम से हो, धाम के माध्यम से हो, संतों की समागम के माध्यम से हो, कहीं भी जाए एक बार नजर खुलने के बाद सब मेहरी मेहर है, कृपा तो बरस रही है, लेकिन कीचड़ में अगर वही प्रकाश सूर्य का प्रकाश आए तो कीचड़ में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और आईना में रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन आईना भी अगर गंदा हो तो वहाँ से भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, साफ आईना हो तो साफ रिफ्लेक्शन आएगा। इसीलिए उधानी का मेहर हमारे सबके हृदय में बराबर मेहर है, लेकिन हम करनी माफक कृपा, तो हमारी करनी हम कितना साधना कर रहे हैं, कितना दिल को साफ कर रहे हैं, कितना शरीर को निर्दोष बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से राज्य का मेहर का रिफ्लेक्शन है, का मतलब है उतना ही अनुभव होता है, और वही अनुभव के माध्यम से ही परम धाम में जागना होता है। आए गए कहीं ना नहीं, धाम में ही है, इसलिए हम कभी प्रश्न पूछते हैं, बीतक हमने कहाँ सुना है ना, प्रेम संवाद कहाँ सुना हमने, हमारा प्रेम ज्यादा आपका प्रेम कम, इस तरह से प्रेम की वार्ता प्रेम संवाद कहाँ हुआ, बोलते हैं मूल मिलाओ में हुआ, परम धाम में हुआ, तो बीतक कहाँ सुने, बोलते हैं बीतक धरती का नाम लेकर के बोलते हैं हमने यहाँ सुना वहाँ सुना, हम बोलते हैं बीतक भी हमने परम धाम में ही सुना है। तो कहने का मतलब है ये दर्जा अपने अंदर से बढ़ाते जाएं, साधना का क्रम बढ़ाते जाएं, वाणी चर्चा से हमें बहुत सुंदर आशीर्वाद मिला, साथ साथ में आपने गीता के माध्यम से 13वां अध्याय, इस बार साध्वी ने 13वां अध्याय को लेकर के एक ही अध्याय के ऊपर कंसंट्रेशन किया, और आभार व्यक्त करते हैं कि उसमें गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है कि एक वक्ता है और 100 श्रोता हैं, तो गुरुजी मंगलदास जी कहा करते हैं वो 101 टोटल हुए, एक वक्ता और 100 श्रोता, तो उसमें से पक्का श्रोता कौन है, तो बोले जो वक्ता है वही श्रोता है, जो वक्ता है वही श्रोता है, कहने का मतलब वक्ता जो इतना ध्यान दे करके उसको बोलना पड़ता है, श्रोता इतना ध्यान दे करके सुनते नहीं है, लेकिन वक्ता को तो चिंतन करके बोलना पड़ा, जो मैं बोल रहा हूँ वो देख रहा हूँ, इसलिए कभी कभार हमें जो बीतक में यहाँ से भेजते हैं, कभी 20 जने कभी 25 जने जाते हैं, हमारा दिल में यही रहता है कम से कम ये 20-25 जने तो बीतक सुने, कहने का मतलब उनका अपने तो उनको पता चला कि कितना वो बोल पाए, राजी का जो बातें जो है सीरियसली बोले, हमारी साध्वी मीरा सखी जी ने इस तरह से 13वां अध्याय से आपने देखा कि वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग हम बहुत अच्छी तरह से अलग कर दे, और धर्म सेवा कोर्स या जो हमारे प्रचारक प्रचारिकाएं भले ही गीता का उस संस्कृत का उच्चारण न हो, लेकिन भाव से व्याख्या से आपने देखा होगा गुरुजी मंगलदास जी ने दी हुई जो उदाहरण, एक लिख करके शून्य लगाओ 10, दूसरा शून्य लगाओ 100, और तीसरा शून्य लगाओ 1000, और एक होने के कारण ही शून्य का कीमत है, शून्य ये जो क्षेत्र है और एक आत्मा उसमें बैठा हुआ है वही क्षेत्र ज्ञान। गुरुजी मंगलदास जी ने कभी 13 अध्याय पढ़ा दिया, आपको पता ही नहीं चला, 13 अध्याय हमने तो कितने बार पढ़ा चुका है, लेकिन क्या करें, महाराज ने जब पढ़ा देते ये हजार हजार बोलते हैं, लेकिन संस्कृत उच्चारण करते नहीं है, तो संस्कृत उच्चारण करवा दिया, बात वही है घूम घाम के, और अपने अपने अंदर में भी है वही, तो आत्मा को हम देख रहे हैं, और वो पंखा के उदाहरण हमने सखी ने दी कि जब करंट घूम रहा है तो करंट है, लेकिन याद करना करंट जाए तो भी थोड़ी देर तो घूमता, करंट जाए तो भी थोड़ी देर घूमता है मोमेंटम, ऐसे हम क्या है शास्त्र ये सब तो पढ़ते हैं, बिना करंट भी पंखा घूम रहा है, ऐसे कभी कभी क्या होता है ध्यान ही बिना भी हम पढ़ लेते हैं, अंदर कुछ नहीं नहीं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन अंदर का करंट जो है तारतम है, वो तारतम के करंट से पढ़ेंगे तो फिर उसका नजारा दूसरा होता है प्यारे सुंदर से। इसलिए सद्गुरु महाराज को श्री राजी महाराज ने दर्शक देकर क्या बोला, ये भागवत कागत तुम्हारा तुम ही खुले कलाम, कितना गारंटी देकर बोला हुआ है, वास्तव में वेद शास्त्र उपनिषद तो तारतम होल्डर वाला ही पढ़ना पड़ेगा,
बिना तारतम शास्त्र पढ़ना तो भले घूमता रहता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, शास्त्र पढ़ने से पहले तारतम को देखें और तारतम से वो फिर उसी का अर्थ अलग हो जाता है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं मीरा सखी को कि एक एक शब्दों के ऊपर बहुत अच्छा मंथन करके परोसे हैं। और सभी भक्तजन सुंदर साथ जी को भी आग्रह है कि आप देख रहे हैं ये प्रचारक प्रचारिका यहाँ मेहनत कर रहे हैं, सभी आगंतुक सुंदर साथ जी को भी। और अभी सौभाग्य से आपको यहाँ दो वक्ताएँ मिले तो बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है। आम जनता सुंदर साथ के जेब से पैसा आर्थिक सहयोग हमें जो मिलता है वो आर्थिक सहयोग कहाँ खर्च हो रहा है प्यारे सुंदर साहब जी? तो हम यही तो बोलते हैं ना, एक फैक्ट्री में से चीनी निकालना हो तो उसे गन्ना डालना पड़ेगा, गन्ना डालेंगे फैक्ट्री में तो चीनी निकलेगा, गन्ना तो डाले ही नहीं, चीनी दे फैक्ट्री कहाँ से चीनी देगा? गन्ना डाले तब तो चीनी देगा है? ऐसे ही साधनालय फैक्ट्री में से आप गन्ना डालोगे मतलब थोड़ा आर्थिक सहयोग दोगे तो हम ऐसा वक्ता चीनी निकाल देंगे, ये वक्ता चीनी हम निकाल देंगे, कुछ आपका सहयोग हो। इसलिए एक आदमी से नहीं होगा, तो कहने का मतलब है ये टीम वर्क है सुंदर साध जी। इसलिए ऊपर से बोलना देख करके आप ज्यादा वो भी मत करना, क्योंकि ये बोलना भी आपने सिखाए हैं और आपने खड़ा किया है। तो आम सृष्टि सभी सुंदर साथ जो इस एपिसोड को जो सुनेंगे, सभी से आग्रह है, सबके सहयोग से ये सफल हुआ है। इसलिए टीम स्पिरिट 12,000 परमधाम से आए कहने का मतलब क्या है, ये टीम स्पिरिट है। इसलिए किसी का आर्थिक सहयोग है, किसी का मन से सहयोग है, किसी को हर प्रकार से सहयोग से ही जागनी का कार्य होता है। एक प्रचारक या एक गृहस्थ, एक सन्यासी, एक तीर्थधारी, एक आसनधारी, एक से होने वाला नहीं है सुंदर साहब। इसलिए राज्य के नजर में उतना ही आपको मेहर है, उतना ही आपके ऊपर कृपा दृष्टि है जितना आप नीचे बन के सुन रहे हैं या आर्थिक सहयोग से मदद कर रहे हैं या ऊपर बैठ के कोई बोल रहा है, सब राज्य का ही काम है। इसीलिए सब अपने अपने स्थान से राज्य को याद करें, राज्य को चिंतन करें, राज्य के लीला में समावेश हो जाएं प्यारे सुंदर साहब जी। तो इस तरह से सप्तदिवसीय कार्यक्रम का आज अंतिम क्षण में सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और सभी व्यवस्थापन को धन्यवाद देते हुए और विद्यार्थी प्रचारक सुंदर साथ की कितने असुविधा भी हुआ होगा, स्वास्थ्य साथ नहीं भी दिया होगा, फिर भी आप लोग राज्य की वाणी को और शास्त्र श्रवण को आपने बहुत हृदय से श्रवण किया। और गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है कि मैं ऊपर बैठ के सुनता हूँ और तुम नीचे बैठ करके बोलते हो, कितना अद्वैत स्थापना कर दिया कि श्रोता के बिना वक्ता अधूरा, वक्ता के बिना श्रोता अधूरा। अद्वैत तो तब होगा जब हमारा जो है सुनने सुनाने में अद्वैत भाव पैदा हो। वो हमने सफल किया और उसका अनुभव किया, बहुत बहुत खुशी व्यक्त करते हुए अभी का पूर्णावती का खड़ी यहीं विश्राम करते हैं। अब प्रेमल पिया जी महाराज यहाँ उपस्थित होंगे और तिलक चंदन पहला मैं करूँगा, फिर सब धीरे धीरे आएंगे, कोई एक वाणी गाते रहेंगे, उसके बाद फिर यहाँ अचेचराना और सब पूजा करके फिर इस सुंदर साप्ताहिक कार्यक्रम वाणी चर्चा और शास्त्र गीता अध्ययन का अध्यात्म का प्रवचन का विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरुजी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को धनी न छोड़ायो खिन, ला
तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो वातुन पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन मैं पाए मेहर महबूब की मेरे जीव के यही